पूरे देश भर में इन दिनों श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ श्री राम मंदिर के बनने में लगे संघर्ष की कहानी यानी फिल्म 695 रिलीज होने से पहले काफी सुर्खियां बटोर रही है। इस फिल्म में कई नामी कलाकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आगामी 19 जनवरी को देश के 800 स्थानों पर एक साथ यह फिल्म रिलीज होने वाली है। साथ ही भगवान श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ के भी कलाकार इसमें नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी विश्व हिंदू परिषद के नेता की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर अमित चिमनानी ने लोकल एटीन से खास बातचीत की है। उन्होंने फिल्म का नाम 695 क्यों पड़ा और राजनीति से वे फिल्म में कैसे आए और कलाकार और फिल्म की रिलीजिंग डेट को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी और इस फिल्म यानी 695 के को प्रोड्यूसर अमित चिमनानी ने लोकल एटीन से क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे देश और विश्व में जब उत्सव का वातावरण है क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन इस उत्सव के पीछे एक संघर्ष रहा और वो संघर्ष 2-5 मिनट का नहीं, 2-5 महीनों का नहीं, 2-5 वर्षों का नहीं, 500 वर्षों का रहा। वो संघर्ष क्या था, किसने किया, राम मंदिर के बनने के लिए किन्होंने अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर किया, कैसे 3.5 से 3.75 लाख कार सेवकों की जान गई और इस संघर्ष में किसका किसका योगदान था, इस पूरे इतिहास को एक पिक्चर 695 बताएगी। और इसका नाम 695 इसीलिए है क्योंकि 6 दिसंबर जब विवादित ढांचा गिराया गया था, 9 नवंबर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, 5 अगस्त जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास के लिए पहली ईंट पहली नींव रखी थी, तो 695 युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के लिए और प्रेरित करेगी और युवा पीढ़ी को ये अनुभव होगा कि उनके परिजनों ने, उनके पूर्वजों ने, उनके बड़ों ने जो त्याग किया है सनातन धर्म के लिए, उन्हें क्या करना है, ये सोचने पर मजबूर करेगा। आपका इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका रहने वाली है? मेरी विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की भूमिका है, बहुत छोटी सी भूमिका है और इस पिक्चर में मैं एक निर्माण टीम का हिस्सा को प्रोड्यूसर के रूप में काम करता हूँ। आप राजनीति में हैं और कैसे रहे फिल्म में आपका दिलचस्प लगा कि आप फिल्म में? देखिए, हम लोग राजनीति करें या सामान्य जीवन जिए, हमारा उद्देश्य तो सनातन धर्म ही है, तो उससे संबंधित जो भी कार्य होता है बस उससे जुड़ जाते हैं। ये पिक्चर, इसकी स्टोरी ऐसी थी जिसमें हमारे धर्म के बारे में बात थी, हमारे संघर्ष के बारे में बात थी, इसीलिए इस पिक्चर से दिल से लगा हुआ और इससे जुड़ करके काम किया। इसके अलावा आपके अलावा कौन कौन फिल्मों में दिखेंगे? बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, अरुण गोविल जी हैं इसमें, मनोज जोशी जी हैं, मुकेश तिवारी हैं, अशोक समर्थ जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारी पिक्चरें कर चुके हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, के रैना जी हैं, अखिलेंद्र मिश्रा जिनको चंद्रकांता में और कई पिक्चरों में सबने देखा है, सभी नामी कलाकार हैं और बहुत अच्छा रोल सबने किया है। आने वाले कब तक लोगों को ये फिल्म? बस कुछ ही दिन शेष हैं, 19 जनवरी को देश के 800 स्थानों पर ये फिल्म रिलीज हो रही है। अभी हाल ही में कुछ हुआ है इसका टीजर रिलीज वगैरह ऐसा कुछ? देखिए, पहले मुंबई में इसका एक टीजर रिलीज हुआ था, 12 तारीख को दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ और दिल्ली में हर क्षेत्र के दिग्गज जिसमें शामिल हुए, जिसमें कि आरएसएस से इंद्रेश कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, महामंडलेश्वर संत हंसराम जी, संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज जी, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख भाजपा संजय मयूख जी, राष्ट्रीय प्रवक्तागण और भी कई साधु संत और हिंदू संगठन के लोग वहाँ मौजूद हुए थे।